हे व्हाट्स अप पीपल, माय नेम इज सिद्धार्थ। वेलकम बैक टू चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ अगर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। देखो, अगर आपका बजट 15 लाख के आसपास है और आपको एक अच्छी 7-सीटर एसयूवी कार लेनी है और आप कन्फ्यूज हो, तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 बेस्ट एसयूवी कारों के बारे में बात करूंगा जो कि 7-सीटर एसयूवी कारें आती है, जिनके अंदर आपको अच्छे खासे इंटीरियर फीचर्स भी मिलेंगे, अच्छी खासी स्पेसिंग मिलेगी इंटीरियर में। तो उन 5 एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इनमें से एक एसयूवी कार ऐसी भी है जिसके ऊपर आपको लगभग 2 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप उस एसयूवी कार को अभी परचेस करते हो। तो उस एसयूवी कार के बारे में भी डिटेल में आगे बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो 5th नंबर की कार आती है 7-सीटर एसयूवी सेगमेंट में, वो है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। हालांकि स्कॉर्पियो को कौन नहीं पसंद करता, स्कॉर्पियो इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी कार है। ये 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी हद तक अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्कॉर्पियो का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के अंदर बहुत सारे अपडेट्स किए जाएंगे, जैसे कि इसका इंटीरियर काफ़ी हद तक अपडेट किया जाएगा, बहुत सारे एडवांस फीचर्स आपको नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के इंटीरियर में भी देखने को मिल जाएंगे, और इसके अंदर काफ़ी हद तक बढ़िया सेफ्टी फीचर्स को इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन करंट जो स्कॉर्पियो का मॉडल है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको 7-सीटर एसयूवी ही कार लेनी है। इसके अंदर भी आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलेंगे। अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो महिंद्रा कंपनी ने करंट स्कॉर्पियो के अंदर 2.2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया हुआ है और स्कॉर्पियो लगभग 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। इसके इंटीरियर में डिसेंट से फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको एडवांस इंटीरियर फीचर्स चाहिए तो आप नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के लिए रुक सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी कमाल के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं करंट स्कॉर्पियो की कीमत की बात करूँ तो इसके बेस मॉडल की शोरूम प्राइस शुरू होती है 12.28 लाख रुपीज़ से। जो 4th नंबर की कार आती है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं 7-सीटर एसयूवी सेगमेंट में, वह है हुंडई की अल्केज़र। अल्केज़र क्रेटा का 7-सीटर मॉडल है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी तक बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और हुंडई की अल्केज़र 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अल्केज़र का जो फर्स्ट रो है और सेकेंड रो है उसके ऊपर आपको अच्छी खासी स्पेसिंग मिल जाएगी, लेकिन अल्केज़र के थर्ड रो के ऊपर सिर्फ 2 बच्चे बैठ सकते हैं आराम से, एडल्ट को बैठने में वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। इसके अलावा अल्केज़र के इंटीरियर में आपको काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको मिलेगा, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ और अच्छे खासे इंटीरियर फीचर्स अल्केज़र के अंदर दिए हुए हैं। इसका जो एक्सटीरियर है वो क्रेटा से मिलता जुलता है, हालांकि इसके फ्रंट ग्रिल्स को थोड़ा सा अपडेट किया है, लेकिन जो लाइटिंग का सेटअप है वो क्रेटा से मिलता जुलता है। वहीं अल्केज़र के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो अल्केज़र के अंदर एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन दिया हुआ है, और अल्केज़र लगभग 14 से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। अल्केज़र की कीमत इंडिया में शुरू होती है 16.30 लाख रुपीज बेस मॉडल की शोरूम प्राइस, और अल्केज़र का टॉप मॉडल 20.14 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 3rd नंबर की कार आती है 7-सीटर एसयूवी सेगमेंट में जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, वो है एमजी की हेक्टर प्लस। हालांकि हेक्टर प्लस हेक्टर का 7-सीटर वर्जन है, इसके अंदर भी आपको 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हालांकि एमजी हेक्टर के अंदर आपको काफ़ी एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, इसके अलावा सनरूफ भी इसके अंदर आपको मिलेगा, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, वॉइस कमांड, यानी आप अपने वॉइस के थ्रू इस कार के बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाओगे, तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर आपको एमजी हेक्टर प्लस के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका एक्सटीरियर का लुक भी काफ़ी हद तक अच्छा खासा है, रोड प्रेजेंस भी इसका ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो एमजी कंपनी ने हेक्टर प्लस के अंदर एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन दिया हुआ है। हेक्टर लगभग 12 से लेकर 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। इसके अलावा हेक्टर की कीमत इंडिया में 13.96 लाख रुपीज़ से शुरू होती है बेस मॉडल की शोरूम प्राइस। जो 2nd नंबर की कार आती है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए 7-सीटर एसयूवी सेगमेंट में, वो है महिंद्रा की XUV700। हालांकि XUV700 का 5-सीटर वर्जन ऑलरेडी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और इसका जो 7-सीटर वर्जन है वो लगभग 2 अक्टूबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, यानी अगले महीने इसका 7-सीटर वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी हद तक कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, XUV700 के अंदर बहुत ही पावरफुल इंजन दिया हुआ है। इसका पेट्रोल इंजन लगभग 200 BHP की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है, और इसका डीजल इंजन लगभग 180 BHP की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। तो XUV700 के अंदर काफी पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा XUV700 के इंटीरियर में बहुत सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स को दिया हुआ है, जैसे कि कनेक्टेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और ढेर सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स XUV
एक्सयूवी 700 के इंटीरियर में इंक्लूड किए हुए हैं। सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया फीचर्स एक्सयूवी 700 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एडास लेवल 1 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक्सयूवी 700 के अंदर किया हुआ है। इसके एक्सटीरियर डिजाइन की अगर मैं बात करूँ, एक्सयूवी 700 का एक्सटीरियर भी काफी तक कमाल का है, दिखने में ये काफी तक बढ़िया लगती है और इसका जो रोड प्रेजेंस रहने वाला है ये काफी तक कमाल का रहने वाला है। अगर मैं इंटीरियर की स्पेसिंग की बात करूँ, इसके इंटीरियर में भी आपको अच्छी खासी स्पेसिंग मिल जाएगी, थर्ड रो के ऊपर भी आपको थोड़ी सी डिसेंट सी स्पेस मिल जाएगी। कीमत की अगर मैं बात करूँ तो एक्सयूवी 700 का जो 5 सीटर मॉडल है उसकी कीमत 12 लाख रुपए से शुरू होती है इंडिया में, लेकिन जो 7 सीटर मॉडल रहने वाला है उसकी कीमत 13 या फिर 13.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक एसयूवी ऐसी भी है जिसके ऊपर आपको लगभग 2 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट मिलने वाला है, वह है महिंद्रा की एक्सयूवी 500। हालांकि स्टॉक क्लियरेंस के तौर पर आपको एक्सयूवी 500 के ऊपर तगड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि एक्सयूवी 700 उसकी जगह पर आ चुकी है, तो बहुत सारे डीलर्स अब एक्सयूवी 500 को मतलब सोल्ड करने वाले हैं। बहुत सारे डीलर्स ने एक्सयूवी 500 को ऑलरेडी सोल्ड कर दिया है। अगर आपके नियर बाय शोरूम में एक्सयूवी 500 अवेलेबल है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। और एक्सयूवी 500 को अगर आप परचेस करते हो तो आपको लगभग 2 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा 50,000 रुपए तक का आपको एक्सचेंज बोनस का ऑफर मिलेगा, 6,500 रुपए का आपको कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिलेगा, लगभग 2.5 लाख आपके बचने वाले हैं अगर आपको एक्सयूवी 500 को लेना है। नहीं तो आपके पास एक्सयूवी 700 एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। जो फर्स्ट पोजीशन पर कार आती है जो कि आपको कंसीडर करनी ही चाहिए, वो है टाटा की सफारी। हालांकि टाटा की सफारी मेरी फेवरेट कार है और रिसेंटली टाटा कंपनी ने इसका गोल्ड एडिशन मॉडल लॉन्च किया था, जिसके अंदर आपको व्हाइट गोल्ड और ब्लैक गोल्ड ये दो मॉडल देखने को मिल जाएंगे। और इन दो मॉडल्स के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं, बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया है जो कि प्रीवियस सफारी के अंदर अवेलेबल नहीं थे। जैसे कि अब आपको नई सफारी गोल्ड एडिशन के अंदर फ्रंट वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर, डायमंड लेदर का इस्तेमाल भी इसके अंदर किया हुआ है और अच्छे खासे फीचर्स आपको सफारी गोल्ड एडिशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो सफारी के अंदर आपको 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा और सफारी लगभग 14 KMPL से लेकर 16 KMPL का माइलेज दे देती है आराम से। तो इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा इंजन मिलने वाला है और 14 KMPL से लेकर 16 KMPL तक का माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा। और सफारी का जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी तक ज़बरदस्त है, मतलब अगर आप इसको रोड पर देखोगे तो ये काफ़ी तक ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो 5 एसयूवी कारें आपको मैंने बताई है, इनमें से एक्सयूवी 700 और टाटा की सफारी, ये दो कारें ऐसी है जिनका रोड प्रेजेंस काफ़ी तक ज़बरदस्त है, मतलब एक्सटीरियर से दिखने में काफ़ी तक कूल लगती है। वही सफारी की अगर मैं कीमत की बात करूँ तो टाटा सफारी का बेस मॉडल इंडियन मार्केट में शुरू होता है 14.99 लाख रुपीज़ से। तो यहाँ पर अब रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, MG की हेक्टर प्लस, इसके अलावा एक्सयूवी 700, इसके अलावा हुंडई की अल्केजर, ये कारें ऐसी हैं जिनके थर्ड रो के ऊपर आपको डिसेंट सी स्पेस मिलेगी, सिर्फ 2 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं थर्ड रो के ऊपर। लेकिन टाटा की सफारी इस सेगमेंट में ऐसी कार है जिसके थर्ड रो के ऊपर 2 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है टाटा सफारी का। अगर आपको अच्छी दिखने वाली कार चाहिए, अच्छी स्पेसिंग वाली कार चाहिए और अच्छे फीचर वाली कार चाहिए, तो आप टाटा सफारी को कंसिडर कर सकते हैं। वही अगर आपका बजट कम है, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चाहिए और आपको मतलब फीचर से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपको नॉर्मल यूज के लिए एक कार चाहिए, तो आप एक्सयूवी 500 को कंसिडर कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, नहीं तो आप एक्सयूवी 700 के लिए रुक सकते हैं। अगर आपको फीचर रिच कार चाहिए, अच्छे डिजाइन वाली कार चाहिए, तो आप एक्सयूवी 700 के लिए रुक सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं विनर की बात करूँ तो नंबर 1 पोजीशन पर टाटा सफारी रहेगी और नंबर 2 पोजीशन पर महिंद्रा के एक्सयूवी 700 रहेगी। इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट कार है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट में कौन सी बेस्ट एसयूवी कार है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, राइड सेफ, वियर हेलमेट, वियर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।